Yes, let's continue with the revision of coordinate geometry. P minus 2, 3 and Q minus 3, 5 be the point. Find what is the answer of this first question? Abscissa of P minus abscissa of Q. कर लिया सॉल्व की नहीं अभी? नहीं किया मगन सॉल्व? फिर कर क्या रहे हो? Answer is 1. Answer of the first question is 1. Answer of this first question is 1. Next is write the coordinate of the point lying on neither axis. Neither axis ka matlab kya hai? The point is not lying on the axis. Axis ke upar lie nahi kar raha. At a distance of 3 units from x-axis. At a distance of 3 units from x-axis. Dekho idhar. The perpendicular distance jo hota hai kisi bhi point ka x-axis se ye wala agar hai to ye y coordinate hai. और y एक्सिस से अगर डिस्टेंस है तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा 5, 3 नॉट लाइंग ऑन एक्सिस का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है कोई पॉइंट है तो उसका आंसर क्या आएगा ये क्या है एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस जब x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये y कोऑर्डिनेट है और y वाले से ये x है तो आंसर आ गया 5, 3 Lying on y-axis. Y-axis का मीनिंग क्या है
x coordinate 0 and y coordinate is -3. ये करो ट्राई. ये 6 यूनिट है. इधर देखो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये 6 यूनिट्स है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये पूरी साइड 6 है. इसका मिड पॉइंट निकालना है. क्या होगा? ये क्या है? ये क्या है? ओरिजिन. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0. ठीक है. 3 इस साइड पे है, 3 इस साइड पे है. इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव. अच्छा, इस ये अगर इधर -3, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जसलीन बोलो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैं कह रही हूँ 3, आप -2 कह रहे हो. -3, 0 इधर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट पे y, x एक्सिस पे y क्या होता है? 0, 3, 0. टोटल 6 है ना, 3 इधर, 3 इधर. तो इधर वाला -3, 0 है, उधर वाला 3, 0. फर्स्ट हो गया. एरिया निकालना है. हाँ जी, सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है. बेस कितना है? 6. हाइट कितनी है? किसने कहा है 6 है? हाइट 6 कैसे है? हाइट तो ये है. अब ऐसे मत बोलते जाओ 3. हाँ जी, ये निकालेंगे पहले. तो ये निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 6 है. पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो? निकालो, फाइंड करो, जल्दी फाइंड करके बताओ. हाइट ये है ना कि स्लांटिंग वाली है. √3, 27 आ रहा है. 3√3 आएगा, 27 आ रहा है, √27. आप दोनों को प्लस कर रहे हो, माइनस होने हैं. राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटन्यूज. हाइपोटन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस. माइनस होने हैं. पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाने आ रही, पता नहीं करना क्या है. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस बेस 3 स्क्वायर. 36 माइनस 9, 27. OA आ गया 3√3. इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये 3√3 आ रहा है. इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. ये आ गया इसका पॉइंट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 3√3. इसके वर्टिसेस निकाल लिए, ये वाला पार्ट हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 3 3 9√3. ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
वर्टिसेस नोट कर लो और ट्रायंगल का एरिया नोट कर लो. मैम ये रोन्स फॉर्मूला से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से भी हो सकता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा भी तो हो सकता है, रूट 3/4 साइड स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उससे भी हो जाएगा. लेकिन वर्टेक्स तो निकालना ही है ना, तो वर्टेक्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी ही पड़ेगी, इसलिए लगाइए. हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का एरिया सेम है, ए पॉइंट मिसिंग है, ये फाइंड करना है. आप उठ के आगे क्यों नहीं आते, इधर आओ. एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज कोई और मेथड नहीं है. मेथड क्यों नहीं है इधर भी वो भी सुन लो. ये हाइट आपको मिल रही है यहां से, इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर 6 है, ये पॉइंट में आ रही है, तो ये फाइंड करना डिफिकल्ट है. इसलिए दोनों, और दिया भी हुआ है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, और जो गिवन है उसका तो यूज करना ही है. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस कितना है? एक तो बोलो, बैठ के ऐसे फ्री मत बैठे रहो, बोला करो. बेस कितना है? 2. कभी भी नेगेटिव नहीं होता. बेस 2, हाइट y कोऑर्डिनेट 6. कितना आ गया? 6 आ गया एक ट्रायंगल के एरिया. सेकंड ट्रायंगल पे आ जाओ, हाफ इंटू बेस कितना है? 3. हाइट कितनी है? y कोऑर्डिनेट a प्लस 1, ठीक है, 3 टाइम्स a प्लस 1 अपॉन 2. दोनों क्या हो गए? इक्वल. 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस 1 अपॉन 2. इसको मल्टीप्लाई कर दो. a 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई. a कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3. 3 प्लस 1 क्या होगा? 4. 3.4. a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3.4. मैम नेटवर्क इशू आ रहा है, मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो. ए लेस देन 0 है, बी भी लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है? माइनस में है. ए लेस देन 0 है, बी भी लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव हैं. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये? नेगेटिव नेगेटिव किस में होता है? थर्ड में. तो इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी 4.3 from y axis. Write the perpendicular distance of P 4.3 from y axis. Perpendicular distance of P 4.3 from y axis. हाँ जी, y से perpendicular distance कौन सा होगा? जितना मर्जी बता दो. y से x वाला होता है, पता ये पेपर देने हैं आप लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है, खुद देखना वहां क्या करना है.
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 units. Write the coordinate of the point above x-axis. Above x-axis का मतलब क्या है? X-axis के ऊपर है, on y-axis at a distance of 3 units. यहाँ पे 3 distance पे है. 0, 3. अगर ये ना लिखा होता above x-axis, अगर ये लिखा होता on y-axis, तो यहाँ पर भी हो सकता था और यहाँ पर भी. तो 0, 3 भी आ सकता था और 0, -3. अब लिखा हुआ है ना above मतलब positive है. नेगेटिव नहीं है. बस करो इसे. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करो इन तीनों को ज्वाइन करके. क्या आ रहा है इसका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल का? जल्दी बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म क्या आ रहा है? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? बेस 2 है, हाइट 4. ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है. ये 2 ये 4. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4 units. 4 square units. ये करो, कोऑर्डिनेट्स लिखो.
राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस, क्या मतलब है इसका? माइनस में है, यहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, 0, -8। नेक्स्ट इज राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के राइट पे एंड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। क्या आएगा? 2, 0। अगर ये ना लिखा होता राइट ऑफ ओरिजिन, सिर्फ लिखा होता ऑन एक्स एक्सिस, तो दोनों ही देने थे, 2, 0, -2, 0। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है ना, तो दोनों ही देने थे। ये करो, पी और ओ के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पी क्यू की लेंथ दे रखी है, क्यू फाइंड करो, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। पेपर इजी में समझना, एमसीक्यूज डायरेक्ट नहीं आएंगे, याद रखना। अगर आप सोचो कि ऐसे ही पूछ के कर लोगे, नहीं, सब सॉल्व करने वाले होंगे, इसलिए पढ़ो खुद, दूसरों पे डिपेंड मत होना, नहीं तो खुद सोच लेना क्या होने वाला है। अटेंडेंस मार्क कर लो, नोटबुक ले आओ यहीं पर। आपको पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, √3, √13, 0। ओ के कोऑर्डिनेट है ओरिजिन, दैट इज 0, 0। ये √13, 0, ये 0, 0। पी क्यू की जो लेंथ है वो 7 है। ये 7 क्या है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये कितना है? 13। ये कितना है डिस्टेंस? ये √13। ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये फाइंड कर लो। करें? समझ नहीं आया होगा। 13 बेस √13 है, हाइपोटेन्यूज 7 है। पाइथागोरस थ्योरम से 7² = √13² + OQ² 49 - 13 = OQ² माइनस कर लो, इसे कितना आएगा? 36 आ गया, ये 6 आ गया। अगर ये हाइट 6 है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो 0, 6 आ गया p के कोऑर्डिनेट्स, 0, 6। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ p 3, 2 इफ ऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय -1? सौम्य बोलो, पी 3, 2 है, उसको ऑर्डिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, क्या बन जाएगा?
कोऑर्डिनेट बोलो पूरा क्या बन जाएगा, 3, -2, 3 कहाँ जाएगा, 3 तो रहेगा ही ना, सिर्फ ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एब्सिसा विल बी सेम, 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जसली नेक्स्ट बोलो, एब्सिसा इज मल्टीप्लाइड बाय -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलो दीपकीर्ति लास्ट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर एडेड टू -5 -5 ऐड करना है, ऐड 3 के अंदर -5 ऐड करोगे क्या आएगा, क्या आएगा मगन, -2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -3। एक ठीक बोला, एक दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, -2, -3 बोथ आर नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट, ये पॉइंट को प्लॉट करो, ये पॉइंट को प्लॉट करो जल्दी से, इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3, एक्स एक्सिस के अबाउट है ना, तो एक्स एक्सिस के सामने आ जाएगा। अब इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस करनी हो तो एक्स का साइन चेंज, -3, 2 यहां आ जाएगा, इसको नेम क्यू दे दो, इसको आर दे दो, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट क्यू अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वाई का साइन चेंज, एक्स वाला सेम वाई का साइन चेंज, ये आ गया, तो ऐसे दे, ठीक है, क्लियर है, मिरर इमेज मींस रिफ्लेक्शन, राइट डाउन नेक्स्ट, प्लॉट द पॉइंट ए -2, 5 प्लॉट रिफ्लेक्शन ऑफ ए अबाउट वाई एक्सिस एंड नेम इट बी। नाउ प्लॉट रिफ्लेक्शन ऑफ बी अबाउट एक्स एक्सिस एंड नेम इट सी। चलो पहले ए प्लॉट करो, फिर बी, फिर सी। मेरे पास तो स्पेस नहीं था, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है, आपने क्यों ऐसे लिखा है, आप प्रॉपर लाइन में क्यों नहीं लिखते, ठीक है।